हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्क्वायर स्क्वायर निकालने का ट्रिक लेकर आए हैं। किसी भी दो अंक का स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में कैसे निकाल लेंगे, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और इससे पहले एक दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें एक एक रहे, चार चार रहे, तीन तीन रहे, दो दो रहे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमने बता दिया है। आज हम देखेंगे किसी भी संख्या में दो अंक वाले संख्या में कोई भी अंक रहे, स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर वर्ग निकालना, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, दो अंक वाले संख्या को, दो अंक वाले किसी भी को रहे, ये नहीं कि इसमें लास्ट में क्या रहे, 5 ही रहे। जैसे यहाँ पे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो। किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, उसका वर्ग स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 25, 25 का स्क्वायर दिया है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये इसको करना है। 35 का स्क्वायर निकालिए, 45 का स्क्वायर निकालिए, 65 का स्क्वायर निकालिए, 75 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। कोई भी संख्या, दो अंक रहे, तीन अंक रहे, जैसे कि यहाँ पे तीन अंक दे देते हैं, 115 का निकालिए, ठीक है, 115 का निकालिए, यानी कि तीन अंक रहे, चार अंक रहे, उसे मतलब नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि पांच हो, जैसे इसको बनाने का देखो 2 से 3 सेकंड बनता है, कैसे बनेगा पहले ध्यान देंगे। ध्यान आप देना है, इसका स्क्वायर निकालना है हमको। करेंगे इसमें क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को समझतीएगा, ठीक है, एक एक टॉपिक को समझने के बाद में ही समझ में आएगा। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकालना है, यदि साधारण नियम से करेंगे तो क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो कैसे होगा, 5 5 25, 25 की 5 हासिल कितना हो जाएगा, कैरी बच जाएगा 2, कैरी 2 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। फिर इसको करेंगे 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे करेंगे तो 5 की 5 5 2 2 की 2 5 1 6 625 है। इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, ज्यादा टाइम लग रहा है, इस टाइम को बचत करने के लिए ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक क्या है, कितना टाइम लगता है पहले देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको तो अभी हमने निकाल लिया, ठीक है, कितना हुआ 625 यहाँ पे है, इसका कितना लगता है, मुश्किल से घड़ी निकाल लीजिए और देखिए टाइम, देखिए कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में निकल गया। जैसे कि इसका नियम बतला रहे हैं, ये देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो, इकाई अंक क्या हो, 5 हो, सभी 5 है, 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा सभी का, ठीक है, 25 आएगा ही आएगा सभी में, 25 आएगा ही आएगा, ठीक है, जिसमें का इकाई अंक 5 रहेगा उसमें क्या होगा, 25 आएगा, तो 25 मैंने पहले लिख दिया, 25 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखेंगे इसका ए जो है, ए वाला अंक यहाँ पे कितना है, 3 3 का एक अगला अंक 3 3 का एक अगला अंक क्या हो जाएगा, 3 3 यहाँ पे है, 3 का अगला अंक क्या होता है, 4, 3 का अगला अंक क्या होगा, 4, ठीक है। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना कैसे कर देंगे, इसमें इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे कितना आ गया, 1225 इसका स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 का अगला अंक कितना होगा, 5, 5 में अगर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
20 होगा। यहाँ पर कितना है, 6, 6 का अगला अंक कितना होगा, 7, 7 में अगर 6 से गुना कर दो कितना हो जाएगा, 42। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 7 है, 7 का अगला अंक कितना होता है, 8, 8 में अगर 7 से गुना कर दो कितना आ जाएगा, मल्टीपल करते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा केवल मल्टीपल कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लास्ट वाला ये जो ये डिजिट है 5, इसको तो मैंने पहले लिख दिया 5 5 5, 25 25 25, और इसके बाद ये वाला जो डिजिट बच गया, ठीक है, इसको एक अगला अंक यानी कि यानी 7 है, तो 7 का अगला अंक क्या हो जाएगा, 8, 8 में 7 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 856। यहाँ पे कितना है, 10, 10 का अगला अंक कितना होगा, 11, 11 में यदि 10 से गुना किया जाए तो कितना होता है, 110, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 11 है, 11 का अगला अंक कितना आ जाएगा, 11, 11 का अगला अंक कितना आ जाएगा, 12, 12, 11 का अगला अंक कितना होगा, एक अंक यानी कि ज्यादा, ये ध्यान दो कि क्या एक अंक ज्यादा से मल्टीपल कर रहे हैं। 11 का अगला अंक कितना आएगा, 12, 12 में 11 से गुणा करो कितना आ जाएगा, फट से कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, गुना करना है, गुना अगले अंक से गुना कर देना है, अगले अंक से गुना करने से क्या होगा, फट से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, हो गया, यहाँ पे देखिए हो गया, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे, ये इसका स्क्वायर निकल गया। अब ये तो 5, किसी संख्या के इकाई अंक 5 हो तो निकाल सके, किसी भी संख्या का, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, 5 अंक रहे, 6 अंक रहे, 7 अंक रहे, 8 अंक रहे, सब फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल इकाई अंक 5 होना चाहिए। इकाई अंक 5 रहेगा तो उसको फट से हम निकाल देंगे इस ट्रिक से। आप देखते हैं कि जिसके 2 अंक वाले कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 1 से 99 तक, 99 तक, 1 से 99 तक 5 रहे अथवा ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 5 नहीं रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये नहीं सुनना कि 5 ही रहेगा तो होगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा तो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी संख्या का रहे, कोई भी संख्या का मतलब आप समझते होंगे, कोई भी संख्या का मतलब आप लोग समझते हैं, कोई भी संख्या 1 से लेकर 99 तक, ठीक है, 1 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या, जैसे मानिए कि यहाँ पे 32 है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, 42 है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, 43 है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, 63 है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है, कोई भी संख्या का मतलब ये हुआ, 1 से लेकर 99 तक डबल, 2 डिजिट रहना चाहिए केवल, 2 डिजिट वाला के बात करेंगे, पहले 2 डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट में चलेंगे, पहले 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट में करते हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है, सभी का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब करना क्या है, इसमें मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक सबसे पहले साधारण नियम से करेंगे तो क्या करेंगे, साधारण नियम से वही फिर करेंगे, 32 मल्टीपल 32 करते रहेंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या होगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, और 3 3 जा 9, यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देते हैं, 4 की 4, 6 और 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 12 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, और 9 और 1 कितना आ जाएगा, 10, कितना आ गया, 1024, 1024, इसका कितना आ गया, 1024। अब इसको हम ट्रिक पे बनाते हैं, ट्रिक पे चलते हैं, ट्रिक क्या कह रहता है, पहले मान लिया मैंने इसको ए और इसको मान लिया बी, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, ए और इसको मान लिया बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसी पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसी तरीका से हम बनाते हैं। चलिए देखिए, इसको मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया बी, पहले कह रहा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो ये बी हो गया, ए हो गया ए और ये हो गया बी, ध्यान से सीखिए ए और बी। अब क्या करेंगे, करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको मैंने बी माना, बी का स्क्वायर करा, बी का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, बी कितना बड़ा, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है ए बी, ए बी को
गुना करके दुगना कर दो, क्या करो एवी के मल्टीपल करके दुगना कर दो, तो एवी कितना हुआ, थ्री और टू है, ये दोनों का यदि मल्टीपल करेंगे तो सिक्स होगा, सिक्स का दुगना करेंगे, ठीक है, सिक्स का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वेल्व, कितना आ जाएगा, ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व, कैरी कितना बचेगा, वन, हासिल कितना बचेगा, वन, हासिल को उंगली पे रख लेना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन दूनी छ, छ, ठीक है, और छ को दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, बारह, बारह के दो हासिल ए, अब यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर बोल रहा है, तो ए कितना है, थ्री है, थ्री का स्क्वायर करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन और कैरी कितना बचा है, कैरी बचा है वन, नाइन और वन कितना हो जाएगा, नाइन और वन कितना हो जाएगा, टेन, आ गया स्क्वायर, अब देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा हाँ स्पीड बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा, फोर, फोर हो गया चार, यहाँ पे फोर है और यहाँ पे टू है, क्या करेंगे, फोर और टू का मल्टीपल करेंगे, एट होगा, एट का मल्टीपल दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन का कितना हो जाएगा, सिक्स और कैरी कितना बचेगा, कैरी बचेगा वन, और यहाँ कितना, फोर, फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन होगा, सिक्सटीन और एट सेवेंटी, ये बन गया इसका स्क्वायर, अब इसको करते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, नाइन हो गया, और इसको इसको गुना कर दो, दुगना कर दो, गुना करके क्या करना है, डबल कर देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चार दिया बारह दुना चौबीस, चौबीस, चौबीस की चार, और कैरी कितना बचेगा, टू, हासिल कितना बचा, टू, और इसको फिर मल्टीपल करो चार चौ का सोलह, सोलह और क्या हो जाएगा, सोलह और दो अठारह, अठारह की आठ, अठारह लास्ट हो गया, लास्ट वाला पूरा लिख देंगे अठारह, अब इसको करते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, तीन ती आई नौ, छत्तरी अठारह, अठारह दूना छत्तीस, छत्तीस की छह हासिल, तीन छह छह को छत्तीस, तीन कितना हो जाएगा, उनचालीस, ये इसका स्क्वायर आ गया, इसी तरह से कोई भी दो टू डिजिट वाले अंक को स्क्वायर कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं, कोई भी दो डिजिट वाले रहे, वन से लेकर नाइनटी नाइन तक, अब देखिए बात ये समझ में जब आ गया तो मैं अब होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क दे देते हैं और कमेंट कीजिएगा, होमवर्क बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा, लो दे दे रहे हैं 60, 76 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, ठीक है, 92 का स्क्वायर, इसको आपको बनाकर कमेंट करना है।